जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आए हैं। एक पाकिस्तानियों के लिए जो मायूस कुन खबर थी वो अब खुशी में बदलने लगे हैं। बड़ी खबर ये है कि आज जो PSL पोस्टपोन किया गया था पाकिस्तान में थे, उनकी 6 फ्रेंचाइजीज की आज मीटिंग थी एहसान मानी के साथ क्रिकेट बोर्ड में। उधर बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है जिसमें एहसान मानी साहब ने बड़ा गम और गुस्से का इजहार भी किया इस बात पे कि ये इतने बबल में, इसके और बबल में रह के फिर भी किस तरह ये कोरोना के जो हैं पॉजिटिव आए हैं रिज़ल्ट इनके, तो उस पर वो शदीद गुस्से में भी थे। तो उन्होंने पहले ये मीटिंग वसीम खान साहब करते थे या कोई और जो ऑफिसर्स हैं वो करते थे, आज एहसान मानी साहब ने ख़ुद इस मीटिंग को लीड किया है और इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो पेचीदगियाँ थी उनसे पूछी। फ्रेंचाइजेज जो उनसे थे वो चाह रहे थे कि इसको शिफ्ट कर दिया जाए कराची में, और उसके ऊपर डिबेट जो उनसे है एहसान मानी साहब के साथ उनकी चली। कुछ इसमें ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा किरदार है क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो उनसे थे वो जो मैच को जब कवरेज करते हैं आगे से, वो ब्रॉडकास्टर जो है PSL में भी बिज़ी हैं, कुछ इंटरनेशनल मैचेज़ हैं उनमें बिज़ी हैं, उनकी प्रॉब्लम की वजह से टाइम स्लॉट नहीं बन पा रहा था कोई सही। तो जो फ्रेंचाइजेज थे ये चाह रहे थे कि ये जो दौरा साउथ अफ्रीका है वो पोस्टपोन करके तो PSL 6 जो है अप्रैल में इसको मुकम्मल किया जाए, पर एहसान मानी साहब चाह रहे हैं कि ये दौरा जो है PSL ये जो साउथ अफ्रीका का ये दौरा मनसूख ना किया जाए, इसी को ये भी हो और साथ PSL में। तो कुछ उनकी जो आपस में तय पाई है, कुछ आज जो बड़ी खबर जिस खबर की मैं आपको बात कर रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि PSL 23 जून से आगे 22 मई तक जो है वो कराची में शिफ्ट हो गया, और ये PSL के जो बाकी मैचेस जो बकिया हिस्सा है वो कराची में खेले जाएंगे। और लाहौर ये तो रह गए हैं, कोई बात नहीं लाहौर, क्योंकि ये मैचेस होने थे लाहौर में, तो लाहौर वाले थोड़े मायूस हैं, पर कोई बात नहीं, टीमें अपनी हैं, पाकिस्तान है, इसमें पाकिस्तान एक ही है, सब पाकिस्तानी हैं। तो खुशी की खबर यह है कि जी PSL मुकम्मल होगा, PSL को जो देखने वाले जो पसंद करने वाले जो चले, बाकी अगर कोरोना है वो पूरी दुनिया के साथ ही, ये एक वबा है, तो इसमें ऐसा है कि आप TV पे बैठ के देख लें, कम निकलें, वैसे भी सिक्योर अपने आप को करें, ये वबा फैल रही है, ज़्यादा फैल रही है, तो इसमें हमें खुद अपने जो हिफाजत करनी पड़ेगी। इसीलिए ग्राउंड में अगर SOP इसके साथ है कि कराची में अगर वो इजाज़त पर जितने परमिशन देते हैं क्राउड की उतने परमिशन के साथ, अगर परमिशन नहीं देते क्राउड के साथ, तो लिहाजा ये एक खुशी की खबर है कि मई से जब ये दौरा जनूबी अफ्रीका से टीम वापस आएगी तो उसके बाद जो उनसे मैच यहाँ पर खेले जाएंगे। इस जो बाकिया मैच है वो 23 को शुरू होंगे और मई के एंड तक जाएंगे PSL के मैच, वो कराची में खेले जाएंगे, और ये जो है सारी काविश एहसान मानी साहब ने खुद इसमें इन्वॉल्व होके की है, वो खुद इसमें इन्वॉल्व होके, और जो जो इंटरनेशनल प्लेयर थे उनको दोबारा मधु किया गया है, वो दोबारा अवेलेबिलिटी शो करेंगे, अपनी बात हो गई है उनकी, जो भी डेट्स ये हुई हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर भी वापस आ जाएंगे उसी SOPs के तहत, उसी कोरोना की जो सिम्टम्स उसके जो बबल में बबल सिक्योर करके उसी तरह वो मैच खेले जाएंगे। और यही एक आज की बड़ी खबर यही थी, तो हमें इवेंट एंड हैपनिंग पे मैं आपको इसकी डिटेल दे रहा हूँ, आगे कोई नेक्स्ट कोई इसकी खबर आएगी उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इवेंट एंड हैपनिंग पे हम आपको ये ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं, तो इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।